Gaming industry is the fastest growing industry right now. In 2021, it was estimated that $185 billion were generated from gaming industry, and right now in 2023, it is close to $385 billion. So not only as a gamer, but आप बहुत सारे जो opportunities है gaming industry में वो आप explore कर सकते हो. तो ये सारे questions है जिसके answers मैं आपको आज के इस video में बताने वाला हूँ. तो game dev में भी बहुत सारे options है. As a game developer आप choose कर सकते हो आपको कौन सी field चाहिए, as compared to you can say level designing. एंड आप 3D मॉडलर भी बन सकते हो, आप प्रोग्रामर भी बन सकते हो, या फिर आप एक गेम डिज़ाइनर भी बन सकते हो. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप आपके ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस फील्ड में जा सकते हो. प्रोग्रामिंग में तो आपको गाइज लैंग्वेज आना चाहिए जो कि है C# या C++, डिपेंड्स ऑन विच गेम इंजन यू आर यूजिंग. लेकिन प्रोग्रामिंग में आपको कोडिंग कंपलसरी आना ही चाहिए. तो लेवल डिजाइनिंग में गाइज आप डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स बना सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कैसे फर्स्ट लेवल है एंड थर्ड लेवल है. तो फर्स्ट थोड़ा ईजी होना चाहिए, थर्ड थोड़ा हार्ड होना चाहिए. तो ऐसे आपको पूरा एक लेवल सिस्टम बनाना है जिससे कि प्लेयर को जो है वो जैसे ही लेवल बढ़ता रहे वैसे वैसे उसको मजा आता रहे एंड लेवल्स भी हार्ड होते रहे. सो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं एंग्री बर्ड्स. आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह पे ब्रिक्स आएंगे. सेम लेवल में जो भी ब्रिक्स या फिर वॉल्स रहेंगे वो नेक्स्ट लेवल में नहीं रहेंगे. तो यही काम गाइस लेवल डिजाइनर करता है. थर्ड पॉइंट इज आर्ट. एंड आर्ट में आप देख सकते हैं कोई भी एक ड्राइंग करना है या फिर बैकग्राउंड बनाना है आपको, या फिर ट्रीज बनाना है, ट्रीज के आर्ट्स कैसे होने चाहिए और वो हमारे गेम के थीम के साथ मैच होने चाहिए, तो ऐसे आर्ट हम बना सकते हैं. तो इसके लिए आर्ट डिजाइनर लगता है. तो फोर्थ पॉइंट इज 3D मॉडलिंग. तो 3D मॉडलिंग में क्या रहता है गाइस कि आप जो भी GTA 5 में फॉर एग्जांपल GTA 5 आप ले लो, उसके अंदर जो भी मॉडल्स है, कैरेक्टर्स है या फिर ट्रीज है या फिर बिल्डिंग्स है, उस सारे जो डिज़ाइन करता है वो एक मॉडलर डिज़ाइन करता है. तो मैंने एक वीडियो प्लेलिस्ट भी बनाया गाइस GTA 5 के ऊपर कैसे हम बना सकते हैं GTA 5. मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट. तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा ऑडियो. एंड ऑडियो यानी कि आप जो भी गेम में गन्स के जो बुलेट फायरिंग के आवाज़ सुनते हो, या फिर एक बैकग्राउंड म्यूजिक, या फिर कार स्टार्ट होता है तो कार का स्टार्ट होने का आवाज़ कैसा होता है, तो ये सब है साउंड डिज़ाइनर हमारा देखता है. तो सिक्स पॉइंट है हमारा लाइटिंग. लाइटिंग का एक अलग इंजीनियर रहता है, वो हमारा पूरा जो सीन का या फिर वर्ल्ड का, हमारे गेम के अंदर जो वर्ल्ड रहता है उसका लाइटिंग देखता है. जैसे कि सनलाइट रहता है हमारा, या फिर लैम्प के नीचे जो भी लाइट, या फिर प्लेयर जब भी चलता है तो उसका जो बैक साइड का लाइट कैसे आना चाहिए उसके ऊपर, एंड फ्रंट साइड का कैसे आना चाहिए, ये सब कुछ जो है इन डिटेल लाइटिंग वाला देखता है. तो सेवन पॉइंट है हमारा स्टोरी राइटर. एंड ये गाइज काम करता है स्टोरी लिखने का. जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लो एक कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम, कोई भी गेम, उसके अंदर गाइज कैंपेन मोड अगर आप खेलोगे तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग मिशन आएंगे और हर एक मिशन को एक अलग स्टोरी रहेगी एंड वो इंटरलिंक्ड रहेगी गाइज. तो एट पॉइंट है हमारा कैरेक्टर डिजाइनिंग. एंड कैरेक्टर डिजाइनिंग वो है गाइज जो हमारा मेन प्लेयर, मेन कैरेक्टर है या फिर एक विलन है, उस कैरेक्टर को जो है डिजाइन करता है हमारे 3D कोई भी एक 3D सॉफ्टवेयर ले लो, ब्लेंडर या फिर माया, उसके अंदर वो डिजाइन करता है. एंड नॉट ओनली कैरेक्टर्स बट NPCs जो रहते हैं वो भी डिजाइन करता है. एंड कभी कभी गाइज हमारा जो मॉडलिंग का काम है वो भी एक कैरेक्टर डिजाइनर करता है. तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन गेमिंग स्टूडियो एंड एन इंडी गेम डेवलपर. तो बेसिकली गेमिंग स्टूडियो जो रहता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कंपनी रहता है जो कि उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं एंड वो सब मिलके एक गेम बनाते हैं. एंड एक इंडी गेम डेवलपर जो रहता है वो अकेला बंदा रहता है जो सारे काम करता है, यानी कि 3D मॉडलिंग भी वही करता है एंड प्रोग्रामिंग भी वही करता है, आर्ट, लेवल डिज़ाइन सब कुछ वो अकेला बंदा करता है एंड खुद ही गेम अपलोड करता है. तो टाइप्स ऑफ गेम इंजिन्स, एंड वो पेड है या फ्री है गाइस. तो यूनिटी मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ. यूनिटी में मैं सारे गेम्स जो है, सारे जो प्लेलिस्ट है या फिर कोर्सेस है वो यूनिटी में बनाता हूँ. एंड यूनिटी एक डाइवर्सिफाइड है, सो डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप एक ही गेम बनाओ एंड्रॉयड के लिए एंड वो आप PC के लिए या Xbox के लिए या PlayStation के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो सेकेंड रैंक पे मैं प्रीफर करता हूँ ज़्यादातर अनरियल, क्योंकि अनरियल में मोस्ट हाई पावरफुल 3D गेम्स बनते हैं. तो अनरियल है वो सिर्फ और सिर्फ 3D गेम्स के लिए नहीं, 2D गेम्स के लिए भी है, लेकिन 3D गेम्स के लिए उसको जो ग्राफिकल क्वालिटी है यूनिटी से बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो गोडॉट है, उसके ऊपर आप 2D गेम्स ही बना सकते हो. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा गेम बनाना है, किस टाइप का गेम बनाना है, एंड उसके हिसाब से आप लोग जो है इंजन चूज कर सकते हो. ये काफ़ी सारे अलग ऑप्शंस भी आपको ट्राई करने के लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि यही तीन ऑप्शंस में आप
ट्राई कीजिए एंड एक्सप्लोर कीजिए गाइस ये सारे टॉपिक्स को। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू वांट टू डू, यानी कि आपको एक 2D गेम बनाना है या फिर एक 3D गेम बनाना है या फिर एक रियलिस्टिक 3D गेम बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है। आप कैसे गेम स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक 2D गेम से स्टार्ट कीजिए, 2D गेम बनाइए। एक बिगिनर लेवल के लिए आप चेक कर सकते हो मेरा चैनल, जहाँ पर मैंने 2D गेम्स के पूरे प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, 2 से 3 प्लेलिस्ट है 2D गेम्स के लिए, एंड उसमें मैंने इन डेप्थ समझा के भी रखा है कि कैसे कोड का जो भी एक लाइन है वो लाइन टू लाइन मैंने पूरा कोड आपको समझा दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एक 2D गेम बनाना चाहते हैं तो मैं प्रीफर आपको बोलूँगा कि आप एक यूनिटी ही इंजन यूज़ कीजिए, लेकिन अगर 3D गेम्स बनाने हैं तो अनरियल एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा साइबरपंक जो है वो भी एक अनरियल इंजन में ही बना है। एंड अगर आप 2D एंड 3D दोनों भी एक ही इंजन में करना चाहते हो तो यूनिटी इंजन है, एंड मेरा चैनल पूरा यूनिटी के ऊपर बेस्ड है। मैंने सारे प्लेलिस्ट 2D एंड 3D गेम्स के बना के रखे हैं, उन सभी प्लेलिस्ट में मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए, कैरेक्टर ऑप्टिमाइजेशन या फिर कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, उनके एनिमेशंस कैसे देने हैं, कोडिंग, परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो हमारा जो लाइटिंग सिस्टम है वो भी है, स्टोरी मोड भी है, वो सब कुछ मैंने उसके अंदर कवर कर लिया। क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स फॉर गेम डेवलपमेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगता है यहाँ पर, लेकिन आप एक डिग्री ले सकते हैं अगर आपको एक जॉब करना है, किसी MNC में जॉब करना है या फिर इंडियन ही गेमिंग इंडस्ट्री में जॉब करना है, तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, नो मैटर इट्स इंजीनियर और CS, कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए बस। एंड अगर आप वो नहीं भी रहेगा, आपके पास बस स्किल रहेगा एज अ यूनिटी, यूनिटी के अंदर आपने बहुत कुछ किया है या फिर अनरियल के अंदर आपने 2-3 गेम्स बनाए, तो उसका पोर्टफोलियो भी दिखाकर आपको जॉब मिल सकता है। और अगर आप प्योर गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर आप सीख सकते हो, आपको एक गेम डेवलपर का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सारे कॉलेजेस हैं जो इंडिया में गेम डेवलपिंग सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर गेम डेवलपमेंट, एंड स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है गाइज, आपको बस एक क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए, एंड अगर आप एक लेवल डिजाइनर वगैरह बनना चाहते हैं तो एक क्रिएटिव माइंडसेट, एंड अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो अच्छे से आने चाहिए, C#, मेमोरी लीक एंड ये सब तो बहुत ही एडवांस हो गया, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए अगर आप एक प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। तो क्रिएटिव माइंड तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी होना चाहिए गाइस, क्योंकि बहुत सारे गेम्स हम जैसे ही बनाते हैं तो स्टार्ट में ही कुछ ना कुछ बग्स या इश्यूज आ जाते हैं, टेस्टर लोग हमें बेचते हैं बग्स एंड इश्यूज, तो आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। एंड ऑल्सो हम गेम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ऑप्टिमाइज करें वो कम ही है गेम के लिए, तो ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। तो 7th क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट गेम डेवलपमेंट, एंड आप एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप कैसे गेम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो, आपकी खुद की गेम बना सकते हो, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक 2D गेम बनाइए स्टार्ट में, जैसे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे आपके गेम इंजन के बारे में, और अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो, कोर्सेज बता के रखे हैं फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस आप कैसे जा सकते हो गेम डेवलपमेंट में, एंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड A to Z आप गेम कैसे बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, आपने अगर गेम बनाना सीख लिया तो आप गेम जैम्स में पार्ट ले सकते हो। गेम जैम्स होते हैं ये कि आपको एक टॉपिक देते हैं एंड 2 दिन के अंदर आपको गेम बनाना है, तो उसके ऊपर आपके जो स्किल्स है वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे, देखते वो कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं, एज कम्पेयर टू लेट्स से डोर्स और होल्स कुछ भी दे सकते हैं, आपको उसके ऊपर एक गेम बनाना है, तो यही होता है गेम जैम्स, आप उसमें पार्टिसिपेट करके आपका जो प्रोफाइल है वो बिल्डअप कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग तो आपको पता ही होगा, फ्रीलांसिंग में भी आप गेम्स ले सकते हैं, दूसरे लोग जो है दूसरे कंपनीज है वो डेवलपर्स हायर नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो एक इंडी गेम डेवलपर को देते हैं पूरा गेम बनाने को, या फिर उनके पास एक रेडी प्रोडक्ट रहता है लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, तो वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर डालते हैं कि ये गेम के अंदर ये इश्यूज़ है उसको सॉल्व करना है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। एंड एट द एंड आप जॉब कर सकते हो किसी गेमिंग स्टूडियोज में या फिर किसी गेमिंग कंपनी में, आप एक अच्छा खासा पैकेज आपको मिल सकता है, एंड आपको वहाँ पर काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने को मिलेंगे जो आपको पता भी नहीं रहेंगे, एंड वहाँ पर जो है आपको अलग अलग फील्ड्स के जो है पोजिशंस आपको देखने को मिलेंगे, या फिर ये अलग अलग बंदे क्या काम करते हैं बेस्ड ऑन सिंगल गेम, बहुत सारे लोग रहते हैं एक स्टूडियो में एंड वो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपको ये सारे ऊपर के जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए आंसर्स बताए उसके अंदर आपको जो भी
प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर और कुछ डिटेल में जानना है या फिर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, मैं सारे के सारे आंसर्स आपको दे दूंगा। इसके साथ हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे गेम डेवलपर्स हैं वहाँ पर, एंड अगर आप एक गेम बना रहे हैं एंड कुछ इश्यूज आते हैं तो आप 1v1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, मैं वहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ एंड आप वहाँ पर क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, यानी कि कोई कुछ आपको इशू आ रहा है गेम में तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सॉल्व करके भी दे सकते। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन गाइज मेरे चैनल पर जो कि है, एक गेम डेवलपर कितना कमाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज रहते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, एंड एक प्रोग्रामर को ज़्यादा सैलरी मिलता है एंड 3D मॉडलर को भी अलग वेरिएशन, बहुत वेरिएशंस है, लेवल डिज़ाइनर को अलग से मिलता है, गेम डिज़ाइनर को अलग से मिलता है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर कि कितना सैलरी आप बना सकते हैं एज अ गेम डेवलपर इन इंडिया। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है गाइज, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, सो सी यू एंड टेक केयर।